YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। मकसूदनगढ़ पर्वती नदी उफान पर होने के कारण खैराड़ बनिया तोड़ी गांव के पास घोघरा घाट मंदिर पर बनी दो मंजिल धर्मशाला की छत पर दो लोग पार्वती नदी में तेज उफान होने के कारण फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंच गया। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्व में भी पार्वती नदी के अचानक उफान पर आ जाने के कारण घोघरा घाट मंदिर की छत पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया था। और अब एक बार फिर घोघरा घाट मंदिर पर बनी दो मंजिला धर्मशाला की छत पर दो लोग फंस गए, जिनकी जानकारी मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और पार्वती नदी का उतरने का इंतजार करता रहा। जैसे ही पार्वती नदी का जलस्तर कम हुआ, रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर नाव के जरिए दोनों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मकसूदनगढ़ से टोनी शाह की रिपोर्ट। चाचौड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत एक गांव ऐसा भी है जहां इलाज के लिए मरीज को लोग खटिया पर लेटा कर 2 किलोमीटर तक ले जाते हैं। आपको बता दें कि जनपद पंचायत चाचौड़ा के ग्राम पंचायत मेराखेड़ी पंचायत में कंजर मजरा भानपुरा में आज भी कोई रास्ता नहीं है। इलाज के अभाव में लोग बीमार व्यक्ति को 2 किलोमीटर तक खटिया पर लेटा कर ले जाते हैं। कई बार इस समस्या का ग्रामवासी आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण आज तक नहीं हुआ है। यह एक सोचनीय बात है कि जहां सरकार विकास का दावा कर रही है, कहीं ना कहीं विकास की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना जिला अपडेट। कोरोना की आज 227 रिपोर्ट प्राप्त हुई। 5 पोर्टल की रिपोर्ट सहित 10 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 52 वर्षीय चौधरी मोहल्ला का एक व्यक्ति और 48 वर्षीय महिला आई कोरोना पॉजिटिव। 65 वर्षीय पुरुष आया दुर्गा कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव। 36 वर्षीय महिला रुटियाई के वार्ड क्रमांक 24 में आई कोरोना पॉजिटिव। 30 वर्षीय पुरुष बतेशा गली में आया कोरोना पॉजिटिव। 84 वर्षीय बुजुर्ग पुलिस लाइन में आया कोरोना पॉजिटिव। 15 वर्षीय लड़का सदर बाजार में आया कोरोना पॉजिटिव एवं 32 वर्षीय महिला आई कोरोना पॉजिटिव सदर बाजार में। 34 वर्षीय महिला चौधरन कॉलोनी में आई कोरोना पॉजिटिव और 39 वर्षीय पुरुष नयापुरा में आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज कुल 10 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। वर्षा काल में केदारनाथ धाम के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा अनुपम होती है। यहाँ झरने बहते हुए दिखाई देते हैं। गुना जिले का एकमात्र प्राकृतिक सौंदर्य स्थल केदारनाथ के विहंगम दृश्य को देखकर आपको किसी बड़े पर्यटक स्थल का बोध होगा। देखिए कुछ दृश्य। गुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना फतेहगढ़ की कलोरा डकैती का किया खुलासा। हथियारबंद पारधी बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। एक पारधी बदमाश एवं चोरी के जेवर खरीदने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में महिलाओं ने अपने घरों में की पूजा अर्चना। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से महिलाओं ने अपना व्रत रखकर दिन भर उपवास रखा और अपने घरों में ही व्रत कथा सुनकर व पूजा अर्चना कर ऋषि पंचमी मनाई। आज से जैन पर्युषण पर्व का हुआ आगाज। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस के साथ हुआ पर्युषण पर्व शुरू। सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के साथ शुरू हुआ पर्युषण पर्व। इस बार लोगों में कोरोना के चलते कम उत्साह है। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस साल नहीं हो रहे, सिर्फ दर्शन मात्र ही किए जा रहे हैं। टीवी पर महाराजी द्वारा कराई जा रही धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाओं का लाभ ले रहे लोग। भरनौदा क्षेत्र की पार्वती नदी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से जा रहा है, जिससे कि एमपी राजस्थान का आवागमन बंद हो गया है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बोले कि अभी मैं भोपाल में हूँ, वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन नदी उतरते ही मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा और जो घरों का इस पानी से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिलवाया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने लोकतंत्र की हत्या के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित मौन धरने में शामिल हुए। घोषीपुरा नया पब्लिक स्कूल के पास बनाए गए कंटेनमेंट एरिया की समयावधि पूरी होने के बावजूद भी कंटेनमेंट एरिया को नहीं हटाया गया है। वहां पर रह रहे लोगों के सैंपल भी लिए गए थे जिसमें भी सभी के सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसके बावजूद भी उक्त एरिया में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया को अभी तक नहीं हटाया गया है। वहाँ के रहवासियों द्वारा सिटी चैनल को सुनाई गई अपनी दास्तान। गुना में हो रही लगातार बारिश के कारण रोड पर हुए गड्ढे, शहर के मुख्य मार्गों सहित हाईवे पर भी सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण आवागमन में असुविधा हो रही है, हो सकती है कोई दुर्घटना। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र और मुंबई वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों की ओर रुक किया था, पर अब अनलॉक होने के बाद प्रवासी मजदूर वापिस महाराष्ट्र मुंबई की ओर लौट रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आरोग्य आहार वितरण व्यवस्था का शुभारंभ, सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। जिला चिकित्सालय गुना में कोविड 19 के पॉजिटिव मरीजों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से आरोग्य आहार वितरण व्यवस्था का शुभारंभ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह एवं अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला भी उपस्थित थे। न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जारी रहेगी सुनवाई। जिला न्यायालय गुना व तहसील राधुगढ़ चाचौड़ा व आरोन न्यायालय गुना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई तथा ई फाइलिंग की व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु राधुगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत होलीवाला चेक वार्ड क्रमांक 10 को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। वहीं नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत विंध्याचल कॉलोनी, मटकरी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 26 तहसील गुना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम म्याना में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया। म्याना पहुंचे संजय शर्मा, दिल्ली की पैदल यात्रा, मोदी जी से मिलेंगे। म्याना पहुंचे संजय शर्मा, दिल्ली की पैदल यात्रा, नरेंद्र मोदी से मिलेंगे शर्मा। पैदल भ्रमण पर दिल्ली पहुंचने के लिए निकले संजय शर्मा कल देर शाम म्याना पहुंचे। संजय शर्मा ने बताया कि मैं 18 अगस्त को ब्यावरा राजगढ़ से निकला हूं। मैंने ये संकल्प लिया था कि जब राम जन्मभूमि की नींव रखी होगी तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवश्य मिलूंगा। वन विभाग आरोन के अंतर्गत वन परिक्षेत्र में 9 किलोमीटर दूर शहरों में मेन रोड के समीप दिन दहाड़े जंगलों की कटाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर दोषियों पर नहीं कर रहे कार्रवाई। आरोन अंचल में बारिश का दौर जारी, भादों में क्षेत्र हुआ तरबतर, सावन निकल गया था सूखा। क्षमा, अहिंसा और मैत्री के पावन पर्युषण पर्व की सभी को दी शुभकामनाएं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से, और लिखा, मन वचन काया से जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया में रह रहे लोगों के लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं सैंपल। गुना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना के पद पर विगत दिवस स्थानांतरण के बाद अंकिता जैन ने एसडीएम गुना का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि शहर की साफ सफाई, स्वच्छता के अलावा जटिल जमीन समस्याओं को सुलझाने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। गुना शहर के क्राइस्ट स्कूल व अन्य प्राइवेट स्कूल द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता, प्रेस के सामने स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के कारणों को बताया। उन्होंने बताया कि टीचरों को कहां से पैसे दिए जाएंगे अगर फीस नहीं ली जाएगी। प्रेस नोट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल ने लोन लिया है जिसकी किस्त भी देनी होती है, स्कूल में सोलर प्लांट लगा है जिसका भी पैसा देना होता है, वहीं पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकों की तनख्वाह भी देनी होती है, इस वजह से इसके लिए लोगों को फीस के लिए बोल रहे हैं। पर यह समझ से परे है कि इतना पैसा हर साल किस संस्था के पास आता है। कुछ लाख रुपए की बिल्डिंग बनाने के लोन की आवश्यकता मान भी लेते हैं कि लोन लिया गया है, जो पैसा आता है जिसे भी तकरीबन 30 साल से ऊपर कमा रहे हैं। अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो एक साल में तकरीबन 7 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं 30 सालों का हिसाब लगाया जाए तो पैसा बहुत हो जाता है। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि स्कूल में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह देने के लिए इन सब के पास पैसे नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा का चाचौड़ा से ग्वालियर स्थानांतरण। विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हरिओम वर्मा का स्थानांतरण तहसील चाचौड़ा गुना से अभियोजन कार्यालय ग्वालियर में हो गया है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ तथा उसके भाई के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया सलाखों के पीछे। जेएमएफसीई न्यायालय ने आरोपी राजेश उर्फ राजेंद्र बुनकर पुत्र कैलाश नारायण निवासी ग्राम रामनगर को राधुगढ़ पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने तथा मारपीट के मामले में पोस्को एक्ट के तहत जेल भेजा। मुख्यमंत्री ने विकास तिवारी को दी बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकास तिवारी, जिन्होंने बच्ची का इलाज का मुद्दा उठाया था एवं मुख्यमंत्री से अपील की थी कि उन्हें बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी दें, उन्हें बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी दी एवं हर संभव मदद का भरोसा दिया। गरीब मजदूरों के बैंक के खाते से फर्जी तरीके से गुल किए जा रहे पैसे, फरियादी ने मीडिया के समक्ष सुनाई दास्तान। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत नगरपालिका परिषद गुना प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत विगत दिवस राज्य कार्यालय संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट में पथ विक्रेता अनुमोदन एवं बैंकों को प्रेषित बा बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों के आधार पर पूरे प्रदेश की नगरपालिका में नगरपालिका परिषद गुना प्रथम स्थान पर है। मकसूदनगढ़ पर्वती नदी उफान पर होने के कारण खैराड़ बनिया तोड़ी गांव के पास घोघरा घाट मंदिर पर बनी दो मंजिल धर्मशाला की छत पर दो लोग पार्वती नदी में तेज उफान होने के कारण फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंच गया। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्व में भी पार्वती नदी के अचानक उफान पर आ जाने के कारण घोघरा घाट मंदिर की छत पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया था। और अब एक बार फिर घोघरा घाट मंदिर पर बनी दो मंजिला धर्मशाला की छत पर दो लोग फंस गए, जिनकी जानकारी मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और पार्वती नदी का उतरने का इंतजार करता रहा। जैसे ही पार्वती नदी का जलस्तर कम हुआ, रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर नाव के जरिए दोनों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मकसूदनगढ़ से टोनी शाह की रिपोर्ट। हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय ने हमें अवगत कराया, जैसे ही हमने तत्काल टीम को तैयार करके चौहान मिश्रा 7 बजे टीम को हमने कोना से रवाना कर दिया। इसके बाद हम तुरंत लगभग 10:30 बजे के लगभग घटना स्थल पर पहुंच गए। तो कल हमने शाम को आके जब देखा यहाँ रात में तो बहुत ज़्यादा पानी था, रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर हमने रात में यहीं पर रुके, हम लोग इंतज़ार किया हमने सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुआ तो हमने देखा यहाँ पे पानी की लेवल मतलब अभी भी हाई था, तो हमने थोड़ा और इंतज़ार किया, धीरे धीरे घट रहा था पानी का लेवल। तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी सूचना दी इस संबंध में कि सर पानी का लेवल घट रहा है और जैसे ही घट जाएगा, और एसपी साहब को भी बताया। तो जैसे ही पानी का लेवल घटा तो फिर हमने नाव अपनी पूरी टीम के साथ उतारी और सफल रेस्क्यू किया और दोनों जो हमारे पुजारी हैं उनको बाहर निकाला। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आपको सूचना दी थी या प्रशासन के लोगों के माध्यम से आपको सूचना मिली थी सर? ये सूचना प्रशासन के लोगों से ही मिली थी हमें, और ग्रामीण लोगों ने शायद प्रशासन के लोगों को दिया होगा। अभी एक व्यक्ति रेस्क्यू टीम के साथ भी वहाँ तक गए थे जी, वो यहीं के लोकल के थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वो इसलिए उनको ले गए थे कि जिससे अपन को यहाँ पे क्या है, कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं पत्थर भी हैं, तो उनको क्या जानकारी थी, वो एक बहुत अच्छे तैराक भी हैं, इसलिए हम उनको गाइडेंस के रूप में ले गए। आगे और स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए क्या प्रावधान है आपदा प्रबंधन के लिए? हम यही, हमारी उकावत डीआरसी रहती है, यहाँ पे हम जवान लगाते हैं, उनके पास लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रस्से वगैरह रहते हैं और वो यहीं पे तैनात रहते हैं, लोगों को रोकते हैं कि यहाँ से ना निकले। यहाँ पे एक रपटा भी है, पिछली बार भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, एक दादाजी बह गए थे, तो वो यहाँ पे रोकते हैं उन लोगों को जाने से, और रात में भी वो यहीं पे रुके हैं, पूरी रात हमने रोका है जो भी गाड़ी लेके निकल रहे थे। आपको परिचय? मैं प्लाटून कमांडर मनोज भदौरिया, होमगार्ड गुना। आप कुछ कहेंगे इसमें? बस भरनादा क्षेत्र की पार्वती नदी उफान पर है, पानी पुल के ऊपर से जा रहा है, जिससे कि एमपी राजस्थान का आवागमन बंद हो गया है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बोले कि अभी में
भोपाल में हूँ, वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन नदी उतरते ही मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा और जो घरों का इस पानी से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिलवाया जाएगा। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, पार्वती नदी उफान पर है, कुछ ग्रामों में पानी भी घुस गया है, तेजाखेड़ी, घाटाखेड़ी और भी ग्रामों से सूचना आ रही है कि वहाँ पानी घुस गया है। जिलाधीश महोदय से मेरी चर्चा हो गई है, नाव पहुँच गई है पार्वती नदी पर, एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई है, बहुत जल्दी वहाँ राहत कार्य शुरू होंगे या हो गए होंगे। मैं स्वयं आपके बीच में खड़ा रहता लेकिन नदी चढ़ने के कारण मैं भोपाल में हूँ और वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, परंतु जैसे ही नदी उतरेगी मैं आपके बीच में पहुँचूँगा और जो नुकसान फसल का या घर गिरने का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अपन सरकार से लेंगे। आप सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। चाचौड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत एक गांव ऐसा भी है जहां इलाज के लिए मरीज को लोग खटिया पर लेटाकर 2 किलोमीटर तक ले जाते हैं। आपको बता दें कि जनपद पंचायत चाचौड़ा के ग्राम पंचायत मेराखेड़ी पंचायत में कंजर मजरा भानपुरा में आज भी कोई रास्ता नहीं है। इलाज के अभाव में लोग बीमार व्यक्ति को 2 किलोमीटर तक खटिया पर लेटा कर ले जाते हैं। कई बार इस समस्या का ग्रामवासी आवेदन भी दे चुके हैं लेकिन सड़क निर्माण आज तक नहीं हुआ है। यह एक सोचनीय बात है कि जहां सरकार विकास का दावा कर रही है कहीं ना कहीं विकास की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वायरल वीडियो जो खटिया पे लेटा के ले जाना पड़ती डिलीवरी में, क्या आपकी गाँव का है? हाँ, हमारे गाँव का। अच्छा, तो डिलीवरी होती है तो क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत आती है हमको, 8-10 महीने ले जाते खटिया खटिया पे लेटा के। अच्छा, वैसे अभी तक कोई रोड वगैरह कुछ नहीं बना है? रोड वगैरह कुछ नहीं बना हमारा। अच्छा, जो ये वायरल वीडियो हो रहा है खटिया पे लेटा के डिलीवरी वाले को या इलाज कराने वाले को, आप ही का गाँव का है? हाँ। और ये जो क्या प्रॉब्लम होती है, अभी तक रास्ता नहीं है और कीचड़ है और पैदल पैदल आते हैं। अच्छा, तो खटिया डिलीवरी में खटिया पे लेटा के ले जाते हैं? मुकेश, कहाँ के निवासी हो? भानपुरा। जो ये वायरल हो रहा है वीडियो, खटिया पे ले जा रहे हैं लोग, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे गांव का वीडियो है? हमारे गांव का, मेरे चाचा जी है और ग्राम मेरा खेड़ी है और भानपुरा मीना का मजरा से बोल रहा हूँ और 50 साल का रास्ता है ये, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। गुना भी दी हमने और यहाँ चाचौड़े तो ये 2 साल से लगा रहे, अभी कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन दिया है तुमने? आवेदन दिया, कल ही दिया। वो तो डिलीवरी वगैरह में भी ऐसे ही ले जाते हैं? डिलीवरी भी ऐसे ही ले जाते हैं। तो कितनी दूरी पर रोड किराया मिलता है तुम्हारा? 2 किलोमीटर पर जाते हैं। अच्छा, ये गांव की जनसंख्या कितनी है? या तो काफ़ी है गांव की जनसंख्या। गरीब मजदूरों के बैंक के खाते से फर्जी तरीके से गुल किए जा रहे पैसे, फरियादी ने मीडिया के समक्ष सुनाई दास्तान। बताएं क्या हुआ? ये साहब, मैंने ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया था अपने घर वाले का जी, तो वहाँ 2000 रुपये जमा, खाता खुलाने के बाद में 2000 रुपये कैश जमा करी जी, 1000 एक दफ़ा जमा करें। अब कल 2 साल पहले खाता खुलवाया था जी, कल मैं बैंक में गया, कहूँ भाई पैसे निकला है, बैंक वालों ने बोला कि इसमें तुम्हारे 32 रुपये हैं। अच्छा। पैसे तुमने निकाल लिए, ताकि हमने पैसा एक ही नहीं निकाला था। अब उसमें 500-500 रुपये सरकार आडी से भी आए। हाँ। कहीं गैस के, कहीं खाई के, वो भी निकाल लिए उसने। निकाले किसने थे पैसे? ये उस बैंक का है जहाँ खाता खुलवाया था मैंने। क्या उसका संचालक केस में? अच्छा, तो उनने फिर बैंक वालों ने वो बुलाया। हाँ। और उनसे क्या कहा उसने, वहाँ जाके मेरे को 49,600 रुपये दे दिए। अच्छा। हाँ, कही ये तुम्हारे मतलब 450 रुपये इसके ब्याज के आए साहब। तो जब पहले आपने क्यों संचालक से बोला, उसने स्वीकार किया था पैसे के मैंने निकाल लिए? नहीं 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 करा। अच्छा, फिर दोबारा कैसे दे दिए उसने? वो तो कल तो मैं बैंक में गया तो बैंक वालों ने पहले तो मना करते रहे। हाँ। फिर मैंने ये एस्टिमेट निकलाया। हाँ। ये बताया उनको। हाँ। बताया कि उनने देख के
मैंने उसके अकाउंट नंबर देख के उनने फोन लगाया होगा उससे, तो उनने मेरे से कल तो बोला कि आज वो यहाँ नहीं है, कल आना, अभी तो तुम घर जाओ। तो मैं घर चले गए। अब आज आया तो उनने फिर वो वहीं बुलवाया बैंक में, बुलवा के फिर उससे क्या कहा क्या नहीं कहा, फिर उसने मेरे से कहा कि वहाँ चलो दुकान पे। किसने बोला? उसने, ये अशोक ने। अशोक कौन है ये? अब कौन है साहब, ये इन्होंने खाता खोला था ये। अच्छा, क्यों? संचालक है? हाँ, संचालक है। अच्छा, वहाँ ले जाकर? वहाँ ले जाके वो दूसरा एक और बैठा, उसने कंप्यूटर पे देख के कि बाबा ये तुम्हारे पैसे क्या है इसके अकाउंट में इकट्ठे हो गए, तो इस समय तुम्हारे को फायदा हुआ, 450 रुपये तुम्हारे ब्याज पर मिलेंगे। अच्छा, हाँ। घोशीपुरा नया पब्लिक स्कूल के पास बनाए गए कंटेनमेंट एरिया की समयावधि पूरी होने के बावजूद भी कंटेनमेंट एरिया को नहीं हटाया गया है। वहां पर रह रहे लोगों के सैंपल भी लिए गए थे, जिसमें भी सभी के सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसके बावजूद भी उक्त एरिया में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया को अभी तक नहीं हटाया गया है। वहाँ के रहवासियों द्वारा सिटी चैनल को सुनाई गई अपनी दास्तान। अब ये चीज़ की तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे होम क्वारंटाइन किया गया था उसमें डिस्चार्ज पेपर में लिखा हुआ था कि आपको 7 दिन के होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उसके चलते हुए आज होम क्वारंटाइन को काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे, और उसके बाद में कई दिन हो चुके हैं जाने के लिए, लेकिन अभी तक इसका कंटेंट जोन का नहीं हटा है। कम से कम आज से 7 दिन से ऊपर, यानी कि 14 दिन से ऊपर हो चुका है मुझे। तो टोटल ये कंटेनमेंट कितने दिन का हो गया? 31 तारीख को लगा हुआ था यहाँ से, 31 से 13 तारीख तक का मेरे यहाँ पे होम क्वारंटाइन का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज आया हुआ था, उसके बाद में मुझसे कहा गया था कि आपको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद चलते हुए मेरे को काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर कंटेंट जोन नहीं गया हटा है। मैं अपर कलेक्टर साहब के यहाँ पर गया हुआ था, उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, और उसके चलते 21 तारीख तक का कहा गया था, लेकिन आज 23 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कंटेनमेंट जोन नहीं हटा है। तो क्या परेशानी आ रही है आपको? मैं पटवारी जी को फ़ोन लगा के पूछता हूँ, तो पटवारी जी पहली चीज़ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और सेकंड टाइम जब उनका रिटर्न में कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि अभी तो देखते हैं, अभी छुट्टी है, ये है, और फिर उसके चलते हुए उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका टाइम पीरियड तो कंप्लीट हो चुका है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको परेशानी क्या क्या आ रही है? परेशानी ये आ रही है, ना तो मेरे घर पे कोई राशन लेके आता है, ना तो किसी दूध की व्यवस्था है, ना कुछ है, आज तक मेरे यहाँ पे कोई देने के लिए नहीं आया है। जिला प्रशासन की तरफ से सुना है कि 1.5 लाख रुपये आ रहे हैं, लेकिन किस मतलब के आ रहे हैं? पेशेंट के लिए आ रहे हैं ना, तो पेशेंट के लिए कम से कम दूध और सब्जी तो प्रोवाइड कराई जाती, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसे हटाएं, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ चुकी है, 1 महीना मुझे हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नेगेटिव भी मेरी आ चुकी है, फिर भी मुझे होम क्वारंटाइन किया गया है ज़बरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरक्षक पूरन सिंह सेंगर है, ये घोसीपुरा में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहा हूँ 31 तारीख से, और अभी तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। तो बताएं कंटेनमेंट कितने तारीख से कितने तारीख तक आपकी ड्यूटी लगाई गई थी? 31 तारीख ड्यूटी लगाई थी, जी नहीं बताया कितने दिन तक है, जब तक कंटेनमेंट रहेगा जब तक रहेगी। तो आपने कितने दिन तक ड्यूटी करी है अभी? आज 31 तारीख से आज शायद 22वां दिन है। 22 दिन कंटेनमेंट हो गया यहाँ पर। हाँ, कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया में रह रहे लोगों के लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं सैंपल। जी विवेक भाई बताएं, ये जो आप जो कंटेनमेंट जोन में सर्वे कर रहे हैं इसमें क्या मिला आपको? कंटेनमेंट जोन में जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो उनके परिवार का, उनके आसपास के, उनके पीछे सामने दाएं बाएं इस तरह 100 घरों का सर्वे करना है। इन 100 घरों के जो सर्वे में ये रह रहा है कि इनका ये चेकअप किया जा रहा है कि इनका तापमान क्या है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देखा जा रहा है, दूसरा इन्हें किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर, शुगर और टीबी इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, अगर इस टाइप का है कोई तो इनका अलग से एक फॉर्म भरा जाके उसके बाद इनकी जांच कराई जाए। अभी किस एरिया में चल रहे हैं? अभी हम मटकरी कॉलोनी में हैं। और आज अभी पहले एरिया यही है आपका? नहीं नहीं, एक क्या है हमारा जो वार्ड है, हमने 5 बार इस वार्ड नंबर 27 का सर्वे किया है जी। तो अब वार्ड नंबर 27 में जैसे कंटेनमेंट जोन बना है तो इसमें हमारी जो हमारी टीम है उसको सर्वे करना,
तो उसमें हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं। ठीक ठीक। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र और मुंबई वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों की ओर रुख किया था, पर अब अनलॉक होने के बाद प्रवासी मजदूर वापस महाराष्ट्र मुंबई की ओर लौट रहे हैं। तो ये मुंबई में चलती थी पहले? यूपी में कहाँ रहते हैं आप? गाजीपुर। तो ये सब लोग एक ही गाँव में? ये लोग क्या करते हैं? ये सब टैक्सी ड्राइवर। सब टैक्सी ड्राइवर। तो इनकी टैक्सी कहाँ है? और सब मुंबई में खड़ी है भाई, मुंबई में खड़ी है। कितने आप पहले आ गए थे? तो इतने दिन आपने क्या किया यहाँ पे? अभी बैठे थे सर, कुछ काम वगैरह। मुंबई खुल गया क्या? हाँ खुल गया, टैक्सी का धंधा चालू हुआ। फोन आ गया होगा वहाँ से? हाँ टैक्सी का धंधा चालू है। अभी अभी बड़ी परेशानी आई होगी आपको वहाँ? बहुत बहुत सर, है ना? धंधा मिला नहीं होगा आपको? दिया भी नहीं होगा किसी ने? काम धंधा मिला होता तो वही पर। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ से जब गए थे यूपी में, तो यूपी में आपको अपनापन मिला? हाँ। या फिर आपसे दूरी बनाई लोगों ने? नहीं नहीं, हाँ दूरी तो बना है, कोरोना से आ रहे हैं तो 15 दिन का दूरी तो था। अच्छा अच्छा, इसके बाद सब नॉर्मल हो गया? आप ठीक से आ रहे? ठीक है, वहाँ की खबर ठीक है, वहाँ से बढ़िया है ना? हाँ हाँ।
सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुफ्त उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, AB रोड, गुना, MP।